ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज संजय मांजरेकर से वर्चुअली मिलने का मौका मिल रहा है इस पे, लेकिन मौका बहुत खास है क्योंकि 2020 में एलिमिनेटर में बाहर हुई आरसीबी, 2021 में भी कुछ ऐसा ही मंजर रहा, लेकिन संजय अंततः फाफ डुप्लेसी की कप्तानी में आरसीबी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, क्वालिफायर टू में अपनी जगह बनाई है। तो बात करेंगे इस मुकाबले की संजय, और शुरुआत करनी होगी रजत पाटीदार, द अनकैप प्लेयर जो अब आईपीएल सेंचुरियन बन चुके हैं उनकी, और दिनेश कार्तिक की जिनकी साझेदारी से कमाल देखने को मिला ईडन गार्डन्स में। कैसी लगी आपको? प्लेऑफ की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई। पहला प्लेऑफ मैच भी जो हुआ था वो भी हाई क्वालिटी था, बहुत ही रोमांचक था, क्लोज मैच था। और इस मैच में अगर आप देखें तो दो युवा खिलाड़ी मोहसिन खान और रजत पाटीदार ने आज बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दिया। तो बहुत अच्छा लगता है कि आईपीएल की जो क्वालिटी अभी ये लोग भी बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ बड़े नाम के आइकॉनिक प्लेयर्स नहीं। रजत पाटीदार की बात अगर करें तो एक हाई रिस्क गेम उन्होंने पहले से खेला, और छठे ओवर में जब कृणाल पंड्या के पीछे वो पड़ गए, और उसके बाद जो निरंतर उनका जो स्ट्राइक रेट था उसके वजह से एक पूरा ऑपोजिशन का प्लान मुझे लगता है मैसअप हुआ था, क्योंकि फोकस इतना बाकी प्लेयर्स पे होता है, विराट कोहली के ऊपर, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल के ऊपर, के पाटीदार थोड़े से बच गए। और सिर्फ हाई रिस्क नहीं, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं, बैटिंग एबिलिटी जो थी उनकी, शॉट्स फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बड़े बड़े शॉट, और उनके मैं कोच से बात कर रहा था, एमपी के कोच चंद्रकांत पंडित, और उन्होंने कहा कि ये पावर गेम उनके साथ पहले से है और बहुत ही शांत स्वभाव के प्लेयर रहे हैं, और उनको लगता है कि अभी नहीं, इसके पहले भी उनको लग रहा था कि ये एक इंडिया मटीरियल है, इंडिया पोटेंशियल वाला। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इनको इस तरह का एक परफॉर्मेंस उनकी निकल गई। तो उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस चलती रहे और इनका बड़ा नाम हो। थोड़ा सा इमोशनल होकर मैं एक जैसे पॉलिटिकल स्पीच होता है वैसे दे रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इस स्तर की कोई बल्लेबाजी करे और ऐसा प्लेयर। नहीं संजय, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह की आप जैसे आपने बात की कि उनका जो उनकी जो कामनेस थी, उनका कंपोजर था, और उसके स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स की फील्डिंग थी। हम केएल और दीपक हुडा की बल्लेबाजी की बात में करेंगे, लेकिन उनकी फील्डिंग पे सवाल शायद पहले उठाना पड़ेगा, क्योंकि कार्तिक का 2 रन पे कैच छूटा, पाटीदार का 72 रन के स्कोर पे कैच छूटा था। वो कैचेस जॉस बटलर के केस में इतने महंगे गुजरात को नहीं पड़े, लेकिन इस बार खामियाजा भुगतना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स को। लेकिन ये जो कैचिंग जो देख रहे हैं हम, फील्डिंग भी देख रहे हैं, मिसफील्ड्स भी हो रहे हैं, उस दिन के मैच में भी, प्लेऑफ के मैच में हमने देखा कि इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे मिसफील्ड हो रहा है, तो ये एक आईपीएल का एक फीचर बन गया है। तो ये अब मुझे पार्ट एंड पार्सल ऑफ आईपीएल लगता है। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि ये सब होने के बाद एक ट्वीट कर दूं कि पूरा आईपीएल नीड्स अ फील्डिंग कैंप। तो क्वालिटी बहुत चीजों में अच्छी दिखाई दी है, सीम बॉलिंग में, यंग बल्लेबाजों का जो सक्सेस हमको देखने को मिल गया, इंपैक्ट प्लेयर्स बन गए, प्रेशर बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन फील्डिंग में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है, और वो फिटनेस के वजह से नहीं है, ज्यादातर मुझे लगता है कि फोकस के वजह से, जिसके कारण इतने कैचेस ड्रॉप हो गए। तो कैचेस फॉर मी हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आईपीएल फॉर नॉट दिस सीजन, काफी सीजन से। थोड़ा सा कॉम्पनसेट जरूर किया है, क्योंकि केएल राहुल और दीपक हुडा जब साथ में खेल रहे थे तो लखनऊ सुपर जायंट्स की उम्मीदें सिर्फ बरकरार नहीं थी बल्कि ऑलमोस्ट फेवरेट्स लगने लगे थे एक मौके पे। उनकी साझेदारी आपको कैसी लगी, हालांकि वो बेकार गई लखनऊ सुपर जायंट्स के आगे बढ़ने के लिहाज से? बहुत ही इंप्रेसिव लगा, और जिस तरह से दोनों खेल रहे थे लग रहा था कि पूरा कंट्रोल में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब लग रहा था कि ये मैच मजा आने वाला है, और चेसिंग ग्राउंड है ये, अगर 200 के ऊपर रन चेस हो सकते हैं इस आईपीएल में तो इस ग्राउंड के ऊपर, तो लग रहा था कि बिल्कुल मैच में। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जो मुझे लगता है कि वनिंदु हसरंगा को पूरा क्रेडिट देना चाहिए, 2 छक्के पड़े उनके खिलाफ, हुडा नहीं मारे, लेकिन उसी लेंग पे उन्होंने गेंदबाजी की, फ्लाइट वाली बॉल अंदर आती हुई और हुडा को उन्होंने क्लीन बॉल किया, वो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब तक हुडा थे तब तक केएल राहुल अपने थर्ड गियर में उनकी बल्लेबाजी चल रही थी, वो कर सकते थे, लेकिन जब हुडा आउट हो गए तो फिर काम उनके लिए बहुत ही मुश्किल होना था। संजय आपने हसरंगा की बात की, और हमने इस मैच का जब प्रीव्यू किया था तो हमने ट्रिपल एच की बात की थी, जिसमें हर्षल पटेल और हेजलवुड की भी तारीफ की गई थी, और एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि ये जो स्ट्रेंथ इन डेप्थ है उनकी उनकी गेंदबाजी में, और खासतौर से डेप्थ गेंदबाजी में, उसमें ये 3 लोग हैं, इनका नाम क्यों शुमार होता है? संजय आपको कितने इंप्रेसिव लगे हमारे ट्रिपल एच आरसीबी के?
जॉश हेजलवुड ने अंत में विकेट्स निकाले, लेकिन उनके लिए काफी कठिन नाइट थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे शॉट्स उनके खिलाफ खेले केएल राहुल ने, गजब के शॉट्स खेले, तो महंगे साबित हो रहे थे और अंत में लग रहा था कि शायद उनके ओवर में ये लखनऊ अपना मैच जीत जाएगी। तो हेजलवुड ने जरूर विकेट निकाले, इंपॉर्टेंट विकेट्स, और जब कोई विकेट निकालता है तो कंट्रीब्यूट जरूर करता है, लेकिन हर्षल पटेल सबसे इम्प्रेसिव लगे। आई मीन अगर कोई एक बड़ा ऑब्स्टिकल उनके लिए था लखनऊ के लिए मैच जीतने का, तो वो हर्षल पटेल थे, और वो आते हैं सेकेंड हाफ में, तो लग रहा था कि चेस में बिल्कुल बरकरार है, लेकिन जब हर्षल पटेल के चार ओवर्स होते और इस तरह के मैच में इस तरह का इकोनॉमी रेट रखना और टफ ओवर्स डाल के, तो हैट्स ऑफ टू हर्षल पटेल। और वनिंदु हसरंगा, इस आईपीएल में अगर कोई खिलाड़ी है, स्पिनर है, जिसका दिल चहल इतना बड़ा है या चहल इतना बड़ा है, तो वो है वनिंदु हसरंगा। तो जी हाँ, तीन एचेस ने आज काफी कमाल कर दिया, और साथ में हसरंगा की फील्डिंग भी, संजय, उन्होंने कितनी बार रन बचाया और एक तो ऑलमोस्ट अद्भुत कैच पकड़ ही लिया। इनको हमने श्रीलंका में पहली बार देखा था जब हम गए थे कोविड के माहौल में, जब इंडियन टीम, मोस्ट ऑफ द इंडियन टीम इंग्लैंड में थी टेस्ट सीरीज खेलते हुए, और ये यहाँ पर श्रीलंका पे गए थे, ऑलमोस्ट सेकंड स्विंग टीम थी, और तब वनिंदु हसरंगा को देखा, भानुका राजापक्षे को देखा, और पता चलता है देखे कि इस प्लेयर में कुछ खास बात है। जब श्रीलंका को खेलते तो और ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते, लेकिन है तगड़े, स्किल्स भी है, तो ये एक लॉन्ग टर्म एक आईपीएल प्लेयर बने रहेंगे, हैट्स ऑफ। और पर्पल कैप की रेस में भी बने हुए हैं, और अगला मुकाबला इसलिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चहल है 26 विकेट के साथ, दूसरी तरफ हसरंगा है, अब उनके 25 विकेट हो चुके हैं। बेंगलुरु का सामना अब राजस्थान रॉयल्स से है सेकंड क्वालिफायर में, लेकिन संजय ये अहमदाबाद में होगा, ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसको ज्यादा रास आएगा आपके हिसाब से ये मुकाबला? देखिए अभी पिच में थोड़ी स्पिनर्स को मदद मिलेगी, एकदम टर्न नहीं होगा, अच्छा पिच होगा, लेकिन आज के मैच में भी मैंने बैंगलोर को बैक किया था, क्योंकि इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जॉश हेजलवुड थे, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, विराट कोहली, जो बड़े स्टेज पे खेले हुए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले, तो वो अब प्ले में आ जाएगा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के पास भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है, लेकिन अब लगता है कि बैंगलोर को बैक करना होगा, और अगर इनके पास स्पिन चहल और अश्विन का है, तो वनिंदु हसरंगा इनके पास है, शाहबाज अहमद है, मैक्सवेल भी अगर बहुत ज्यादा टर्न करे तो अपने चार ओवर भी डालते कभी कभी, तो उनके पास बॉलिंग अटैक है, और पट्टीदर जिस फॉर्म में आए हैं, बाकी सब अगर देखते हुए लगता है कि बैंगलोर का शायद पलड़ा इस मैच में भारी हो। तो ये थी संजय मांजरेकर की राय, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का डेब्यू सीजन यहीं पे समाप्त हुआ, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दो सीजन की निराशा के बाद एलिमिनेटर से एक कदम आगे, यानी कि क्वालिफायर टू में पहुंच चुके हैं, जहां राजस्थान रॉयल्स से अब उनका मुकाबला होगा। लेकिन ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।